करिए, इट इज द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स. लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैटर क्यों करता है इतना? व्हाई डज इट मैटर, जब आपकी खुद ही इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको ये काम आप लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे होंगे ना. आपके ख्वाबों में अपनी तकमील तक पहुंचने के अंदर एक आंसर होगा ना कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तो मैंने लोगों को भी सर्व करना है. बट व्हाई डज इट मैटर, मतलब जब वो कहते हैं ना मेरी, मैं अपनी तन्हाई के साथ जीता हूँ, मैं अपने आप के साथ जीना सीखे. लर्न टू लिव विद योर ओन सेल्फ. जब आप अपने आप के साथ जीते हैं, अपने आप के साथ इंजॉय करते हैं, अपने आप के साथ खेलते हैं, अपने आप के साथ मजा करते हैं, तफरी करते हैं, तो आप अपने लिए काफ़ी हैं. और उससे बढ़कर अल्लाह आपके साथ होना चाहिए. नो, यू शुड लर्न टू लिव लाइफ विद गॉड. अल्लाह के साथ आप इंजॉय करें, अल्लाह के साथ आपका एक टाइम होना, अल्लाह के साथ आपके ताल्लुकात होने चाहिए, अल्लाह के साथ आपके लम्हात होने चाहिए, लहजात होने चाहिए. तो ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसाइल हो जाएं, एक ना एक टाइम पर, जैसे मैं अपने आप से ये कहता था ना कि मतलब बाय द एंड ऑफ द डे चलो ये सब ख़त्म भी हो गया, जो भी हमने बनाया, अल्लाह ने हमें दिया, जो ये मिदरार इंस्टीट्यूट है, ये काम है, मेरा नाम है, अल्लाह ने जो शोहरत दी और जो इतना तलक्की, बिल्कुल ये नहीं भी होगा एंड में आप सारे भी मुखालिफ हो जाते हैं. मेरे सारे फैंस जो हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी बैठे हैं, तो भाई मैं तो यहीं से लेके आया था, यहीं बनाया था, एंड के अंदर क्या करना है? मस्जिद चले जाएंगे, अल्लाह के पास चले जाएंगे, अल्लाह के साथ अपना वक्त गुजार लेंगे. जब अल्लाह के साथ मेरा रिश्ता है, ताल्लुक है, सॉरी रिश्ता तो नहीं कहेंगे, ताल्लुक है असकार के साथ, उसके कुर्ब की ठंडक के साथ एंड जन्नत में उसे मिलने के साथ, और हर रोज बेसिस के ऊपर अल्लाह का जी लूंगा मैं उसके साथ. जब मैं पहले से ही दुनिया के अंदर अपनी वो चीज़ जिससे वो मुझे हमला कर सकते हैं, हम पहले से एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो डर ही खत्म हो गया. जब एंड के अंदर लोग मैटर ही नहीं करते, जब लोग मैटर ही नहीं करते, लिटरली लोग मैटर करते हैं हुकूक के लिहाज से, लोग मैटर करते हैं उनके राइट्स के लिहाज से, लोग मैटर करते हैं कि हम एक एंटी सोशल लोग तो नहीं है ना, लोग मैटर करते हैं, लेकिन ये थोड़ी मैटर करते हैं. मैंने कहा मैं मोहताज हूँ उनके ओपिनियंस का, मैं मोहताज हूँ वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं मोहताज हूँ क्या कह रहे हैं. ये तकब्बुर नहीं होता, ये गिना है. और अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे इस तरह की, अल्लाह मन असल अलहुदा व तुका व लफाफा वल गिना, अल्लाह मुझे लोगों से गनी करता है. तो भाईजान जो इंसान लोगों से गनी होता है ना, कॉमेंट्स डोंट मैटर, डोंट लेट द वर्ल्ड बी लिटल यू डिफाइन यू. अगर आपका आप अपने आप को जलील कर रहा है, फिर एक मसले की बात. लोग अगर कर रहे हैं अखबारों को, ये अल्फाज, ये तनकीदें, ये हकद, ये हसद, ये भाजन आज का मसला नहीं है, ये सदियों से, आदम अलैहिस्सलाम जब से दुनिया में है ना, तो उनके दो बेटों के बीच के अंदर ये मसला हो गया था, एक को दूसरे से हसद हो गई थी. तो ये मुखालफतें तो पार्ट ऑफ द गेम है. व्हाई डज इट मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग? अगरचे उनका कहावा दुख बहुत देता है, तकलीफ बहुत देता है, कलेजा ला देता है, तो जब वो आपको तकलीफ देते हैं, उतना उनको अपने अंदर से माइनस